अफगान अमनअमल की कामयाबी के अलावा कोई ख्वाहिश नहीं। वज़ीर-ए-आज़म के बयान को अफगानिस्तान के दाखिली उमूर में मुदाखलत ना समझा जाए। वज़ीर-ए-आज़म का बयान सियाको सबाक से हटकर पेश किया गया। अफगान हुकूमत के रद्द अमल पर तर्जुमा दफ्तर खारजा की वजाहत। कहा वज़ीर-ए-आज़म ने अफगान मफाहमती अमल को कामयाब बनाने के लिए ज़ाती दिलचस्पी ली। मफाहमती अमल के अहम मोड़ पर पाकिस्तान की कोशिशों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, ऐसे इकदाम से गलत फहमियाँ पैदा होंगी। नवाज शरीफ को पथरी है, बाईपास भी हो चुका है। कौन सी बीमारी है जो इक्तदार से उतरने के बाद इन्हें नहीं होती। सारी गेम के मास्टरमाइंड शहबाज शरीफ है। शेख रशीद एक्सप्रेस के तंज ना रुक सके। फालूदे वाला मैंने निकाला, कचोरी वाला मैंने निकाला, लॉन्चों में पैसे मैंने भेजे हैं, फिर ये विक्ट्री का निशान दिखाते हैं। नवाज शरीफ का जेल में कैद के बाद घर में पहला दिन। मियां साहब, शहबाज शरीफ और पार्टी रहनुमाओं से मुलाकातें। वालिद और अहलिया की कब्रों पर फातिहा खानी। तिबी मुआयने के मामले पर अहले खाना से मुशावरत। जाती मौलिज की जाती उम्र आमद। नवाज शरीफ का तिबी मुआयना। पीपल्स पार्टी के लिए एक और मुश्किल। आसिफ अली जरदारी की नाअहली के लिए दरख्वास्त। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस अतहर मनुल्लाह 4 अप्रैल को समाअत करेंगे। पीटीआई रहनुमा उस्मान डार ने नाअहली की दरख्वास्त दायर की थी। दरख्वास्त में बतौर पार्टी सरबरा और रुकन कौमी असम्बली ताहयात नाअहली की सदा। गिरफ्तारी का खतरा। जरदारी ने 4 नैब इंक्वायरियों में 4 अलग अलग जमानत की दरख्वास्तें जमा करा दी। नैब ने बदनीयती से सियासी इंतकाम के लिए तलब किया। तफ्तीश और ट्रायल मुकम्मल होने तक जमानत मंजूर की जाए। दरख्वास्तों में सदा। पीपल्स पार्टी का कारवान भुट्टो नवाब शाह से रवाना। लाड़काना में इस्तकबाल के लिए तैयारियां जारी। बिलावल भुट्टो दिन भर आवामी इज्तमा से खिताब करेंगे। लाहौर में बीवी पर शौहर का मुबैना तशद्दुद। बाल काट डाले, रक्स से इनकार पर तशद्दुद किया गया। खातून का इल्जाम। खातून की दरख्वास्त पर थाना कहना में शौहर के खिलाफ मुकदमा दर्ज।